हेलो दोस्तों, यदि आप भी कुछ इसी प्रकार अपनी मोबाइल स्क्रीन में अपनी फोटो ऐड करना चाहते हैं, इस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए तक ध्यान से देखना है। अब सिंपली दोस्तों, इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको बैक आना है और आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पर आपको एक आईडी सर्च करनी है, ठीक है। उस आईडी का नाम है रमन मीना ऑफिशियल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस आईडी को सर्च कर लिया, तो आपको भी इसी आईडी को सर्च करना है। रमन मीना ऑफिशियल आईडी को आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों, आपके सामने ये आईडी सजेस्ट हो जाएगी, तो आपको इसी आईडी को ओपन करना है, रमन मीना ऑफिशियल आईडी को ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों, यहां पर आपको मेरी हाईलाइट को चेक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने मेरी हाईलाइट का टाइटल डाल रखा है मोबाइल स्क्रीन, तो सिंपली आपको इसी हाईलाइट को ओपन कर लेना है। इस हाईलाइट को ओपन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट हमारे सामने आ चुका है। अब सिंपली दोस्तों, आपको टेम्पलेट में अपनी फोटो ऐड करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आप नीचे आपको ऐड योर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, यहां से आपको अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर मेरी एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपको भी एक अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया है। और फिर दोस्तों, यहाँ पर आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं अपनी फोटो पर। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एक सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। फिर दोस्तों, सॉन्ग ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को शेयर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने अपनी स्टोरी को शेयर कर दिया और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट में मेरी फोटो ऐड भी हो चुकी है। तो कुछ इसी प्रकार आप भी अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं इस टेम्पलेट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।